नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे, द्वारका सेक्टर 18 की प्राइम लोकेशन पे एक LIG फ्लैट लेके आए हैं। 1 BHK प्रॉपर 50 गज के साइज़ के अंदर बना हुआ टॉप फ्लोर पे बहुत ही बढ़िया रेनोवेटेड फ्लैट लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा काम ओनर द्वारा करवा के मिलेगा। लोकेशन की बात करते हैं, द्वारका सेक्टर 18 की प्राइम लोकेशन के ऊपर ये फ्लैट होने वाला है। और जिस पार्क के अंदर हम खड़े हुए हैं, ये आपका सोसाइटी का खुद का पार्क है, जिसके अंदर आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे भी गार्ड्स मिलेंगे, जो कि आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ करे फील। अगर हम इस सोसाइटी के ग्रैंडनेस की बात करते हैं, इस पार्क के ग्रैंड साइज की बात करते हैं, तो आप एक बार ज़रा इस साइज़ पर नज़र डालिए। यहाँ से लेकर वहाँ तक आपका ही ये पूरा का पूरा पार्क होने वाला है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और लोकेशन आप देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है आप एक बार गूगल पे डाल के देखिए कि कितनी प्राइम लोकेशन होने वाली है। और यहाँ से मेट्रो के डिस्टेंस की बात करते हैं, मेट्रो का डिस्टेंस होने वाला है मात्र 2 किलोमीटर। यहीं से हम अपने सोसाइटी का जो गेट है उसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये वाला जो गेट है, ये कोई मेन गेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेटेड गेट है इस सोसाइटी के पार्क के अंदर आने के लिए। इसके अलावा एक पार्क और मिलने वाला है, अंदर एंटर करके आप पार्किंग को एक्सेस कर सकते हैं। पार्किंग को एक्सेस करने के बाद में आप इस सोसाइटी का जो भी कॉमन एरिया है यहाँ पे, जो सोसाइटी के अंदर पार्क हो गया, पार्किंग हो गई, सारी की सारी आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। और साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इस सोसाइटी के अंदर मिलने वाली हैं, विच इज़ गार्ड एंड गेटेड सोसाइटी वाला फीचर। सो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार अगर रवीश भाई थोड़ा सा जूम करें और यहाँ से दिखा पाएँ, तो हम देख सकते हैं कि आपको सामने गार्डेड और गेटेड सोसाइटी मिल रही है। अब चलिए जल्दी से चलते हैं सोसाइटी के अंदर और आपको दिखाता हूँ हमारा फ्लैट आज का कैसा होने वाला है। आ जाइए। तो ये होने वाला है वो स्टेयरकेस, जिससे चढ़ के आप आएंगे अपने थर्ड फ्लोर पे। सिंस इट्स अ DDA, DDA के अंदर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरह से फ्लोर अलाउड हैं। तो ये हम आ गए हैं अपने फ्लोर के ऊपर और अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैट के अंदर। इस तरह से कुछ रास्ता होता है हमारे फ्लैट में आने के लिए। डोर मिलेंगे हमें 2 और सामने की तरफ एक डॉगी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो हम इस डोर को पहले बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये होने वाला है हमारा फ्लैट। फ्लैट का साइज़ आप देख सकते हैं, साइज़ बहुत ही अच्छा है फ्लैट का। LIG फ्लैट्स होते हैं 50 गज के एरिया के अंदर, तो देखिए ये होता है प्रॉपर 50 स्क्वायर यार्ड्स में फ्लोर का प्लान। ये होने वाला है हमारा लिविंग हॉल। लिविंग हॉल काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर है। अगर साइज़ की बात करते हैं तो लंबाई में ये होने वाला है 15 फीट और इस तरह से ये होने वाला है 9 फीट। 15x9 के साइज़ में आपको एक लिविंग हॉल मिल जाएगा। बहुत बड़ा फ्लोर प्लान नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि कितना अच्छे से एक फैमिली के लिए ये फ्लैट रह सकता है। थोड़ा सा अगर आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है हमारा किचन, यहाँ मिलने वाला है हमें हमारा बेडरूम, इस तरफ होने वाला है हमारा वॉशरूम। और आगे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ मिलने वाली है हमको हमारी बालकनी। अब सबसे पहले साइज़ में आपको यहाँ का बता चुका हूँ, एक बार दीवारों पर नज़र मार लीजिए। ये बिल्कुल फ्रेशली रेनोवेटेड फ्लैट है, जिसके ऊपर बहुत लाइट कलर में पेंट किया गया है, काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। ऊपर की तरफ नज़र मार सकते हैं, फ़ैन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलने वाला है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर आप इस फ्लैट को अपना बना सकते हैं। और जब आप इस फ्लैट को अपना बना लेते हैं तो जो इसकी टेरेस है उस पर भी आप चाहें तो थोड़ा बहुत कुछ काम करवा सकते हैं। आइए आगे की तरफ आपको एक बार व्यू दिखा देते हैं कि बालकनी से किस तरह का व्यू मिलने वाला है। वेंटिलेशन तो नो डाउट इस फ्लैट के अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा और टॉप फ्लोर पे होने के चलते यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आएगी। और
साइज़ की बात करते हैं तो ये बालकनी का जो साइज़ है 3.5 फुट ये इस तरह से चौड़ी होने वाली है, और लंबाई की बात करते हैं तो अगेन जो हमारे ड्राइंग रूम का साइज़ था 9 फीट वही यहाँ पे आपको लंबाई मिलने वाली है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की और आपको दिखा देता हूँ किचन एरिया, वॉशरूम एरिया एंड हमारा बेडरूम एरिया। सो फ्लोर्स पे पूरे ही फ्लैट के अंदर आपको टाइल्स मिलने वाले हैं। अब इस छोटे से एरिया से आप लेफ्ट में देखेंगे तो दिस इज योर बेडरूम, दिस इज योर वॉशरूम एंड दिस इज योर किचन। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस साइज़ के अंदर हमको ये वॉशरूम मिलने वाला है। तो वॉशरूम के टोटल साइज़ की बात करते हैं तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 6 फीट इस तरह से, और चौड़ाई की बात करते हैं तो दिस इज़ 3.5, 3.5 फुट की चौड़ाई होने वाली है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ये एरिया मिल रहा है आपको। वेस्टर्न सीट इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे प्रॉपर टाइल का काम कर दिया गया है, सिंक भी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर भी लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे आएंगे, अब ये हमें मिलने वाला है हमारा डेडिकेटेड किचन एरिया। इस वाले एरिया को आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इधर अगर आप देखते हैं तो ये आपका प्रॉपर किचन एरिया हो जाएगा। साइज़ इज़ ऑलमोस्ट 7 फीट एंड फीट 5, 7x5 के साइज़ में आपको ये किचन एरिया मिल रहा है। और यहाँ पे मार्बल टॉप लगा हुआ है, केवल यहाँ पे आपको कैबिनेट्स बनवाने पड़ेंगे, वो आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर एम्पल स्टोरेज हो जाएगी, ऊपर भी आपको ओवरहेड स्टोरेज मिलता है। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ विंडो भी मिलती है, सिंस आई लव डीडीए के अंदर वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पे भी वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन है। अब यहाँ से चलते हैं हमारे फाइनल बेडरूम, ओनली बेडरूम, द मास्टर बेडरूम के अंदर। फ्लैट थोड़ा सा गंदा हो रखा है, कबूतरों ने थोड़ा सा आतंक मचा रखा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप जब खरीदते हैं या फिर आप इसको रेंट पे लेते हैं, दोनों ही सूरतों में आपको फ्लैट साफ होके मिलेगा। साइज़ की बात करते हैं, इस वाले बेडरूम का साइज़ है 10x9 फीट, 10x9 के साइज़ में आपको ये बेडरूम मिलने वाला है। थोड़ा सा आगे आएंगे, वेंटिलेशन के लिए आप इस विंडो को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे विंडो एसी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम राइट में देखते हैं, एक विंडो हमको इस वॉल पे भी मिल रही है। यहाँ पे भरपूर अमाउंट में स्टोरेज, आप इसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलमीरा की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऊपर भी आपको देख रहे होंगे काफ़ी अमाउंट में स्पेस मिल रहा है, आप चाहें तो इसे कवर भी करवा सकते हैं, और एल्स आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, सोसाइटी आप देख चुके हैं, फ्लैट आप देख चुके हैं, आशा करता हूँ आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। अगर आपको ये फ्लैट पसंद आया है तो इसी तरह से एड फ्री कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और बहुत ही जल्द आपके लिए हम द्वारका एक्सप्रेस वे की वीडियोज़ लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।